अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आरिफ खत्री और आज मैं लाया हूँ आपके लिए फाफड़े की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, देखिए हम मार्केट स्टाइल में सेम बनाएंगे फाफड़ा, बहुत खस्ता आई हैं और इस तरह से आप हाथ से घस कर बनाएंगे मार्केट के सेम स्टाइल में, हलवाई स्टाइल में। तो चल तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने करीब 600 से 700 ग्राम बेसन लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल रहा हूँ और इसी में मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिए खड़ी और 1 चम्मच जीरा लिया है। इन दोनों को हम डाल देंगे और इसमें मैं इसी पॉइंट पर डाल रहा हूँ मैं 3 चुटकी सोडा, बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ 3 चुटकी, और इसे अच्छे से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल, करीब मैं 10 से 12 चम्मच तेल डाल रहा हूँ। इतने इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब, और इस तरह से देखिए इस तरह से पेड़ा इसका बन जाएगा। तो हो गया हमारी परफेक्ट मोन। जी हाँ, अब इसमें पानी डालकर, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आटे की शक्ल में गूंद लेंगे। हल्का सा टाइट रखना आटे से हमें। ये देखिए मैंने 3 बार पानी डाला था हल्का हल्का करके, इस तरह से टाइट थोड़ा सा डो बना ले। और अब मैं इसे आखिरी में हल्का सा हाथ में तेल लगाकर, इस पर तेल लगाकर इसे ढक के छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के। ये देखिए अब मैं इसी पॉइंट पर ये मिर्ची मैंने लिए है हल्के छोटे छोटे पीस काट कर, इसे पानी में बॉईल कर लेना है। और देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब मैं इसके छोटे से लोई लेता हूँ और इसे अच्छे से लंबा सा बेल लेना है इस तरह से। और ये मैंने एक प्लेट ली है, आप चाहे तो किसी कटिंग बोर्ड वगैरह पर भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हल्का सा साइड दबा दे और इससे हथेली से आप दबाकर प्रेस करते हुए आगे बढ़ा दें। ये देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, एक या दो बार आप ट्राई करके। और इस तरह से चक्कू ले एक और उससे आप धीरे धीरे इसे छोड़ लें नीचे से, हल्का हल्का धीरे धीरे चलाकर। ये देखिए इस तरह से आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप परफेक्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा दोस्तों ये फाफड़ा तैयार है। अब मैंने एक तेल अच्छे से गर्म कर लिया और उसमें मैं धीरे धीरे से पीस को छोड़ते जाऊंगा। और हम डालने के बाद इसे करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और छुएंगे नहीं। अब 1-1.5 मिनट बाद आप चिमटे की मदद से इसे अच्छे से पलटा लें, इस तरह से धीरे से सावधानी से पलटा लें कि हमारे फाफड़े टूटे ना। और फिर ये दूसरी साइड भी हम 1-1.5 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे और फिर निकाल लेंगे सारे पीस। तो देखिए दोस्तों हमारे फाफड़े तैयार रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।